Hello everyone. I have proud privilege to welcome Dr. Chetan Raj with us. Hello, sir. He is from Noble Medical College, Kathmandu University, scored 171 marks in December 2021 in his fourth attempt. Chetan, kaisa lag raha hai? Sir, bahut acha feel ho raha hai. Finally, I am registered doctor. Aur sir, ye journey thoda sa lamba ho gaya kyunki mera fourth attempt tha. लेकिन सर ऑनेस्टली ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, लेकिन ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था टू द वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप नोबेल जो हम लोग का नेपाल का इंटर्नशिप वैलिड टू द इंडिया में, तो उस दौरान मैंने इंटर्नशिप के दौरान भी मैंने दो एटीएमजी एग्जाम दिए, जो जिसमें कि पहला अगस्त वाला था और दिसंबर वाला था. तो सर उसमें मैंने कोई प्रिपरेशन करके नहीं दिया था, मैं उसे बहुत कैजुअली बस देखना चाहता था. मैंने सच में प्रिपेयर करके जून वाला जून 2021 का एग्जाम दिया था. उसके बाद उसमें जब नहीं हुआ तो आई ज्वाइंड मिस्ड, और अब ये दिसंबर में मैंने 171 एक अच्छे स्कोर से मैं खुश हूँ. अरे चेतन, दिस स्माइल ऑन योर फेस टेल्स अस मेनी थिंग्स. यस सर. अच्छा ये बताओ कि मिस्ड के साथ जर्नी कैसी रही? किस मोमेंट पे आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे ना ये मिस्ड ज्वाइन करना पड़ेगा? सर जैसे कि मैंने बोला कि पहले मैंने दो अटेम्प्ट बहुत कैजुअल दिया था, बिना पढ़े दिया था. उसके बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन की, कुछ बुक्स हैं उनके तो क्वेश्चन फॉलो करके MBBS के जो नोट्स मैंने बनाए थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के, वो नोट्स पढ़ के मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और आई गॉट गुड मार्क्स. 147 आई गॉट इन दैट. और इसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब मुझे एक बहुत कंटेंट, एक स्पेसिफिक कंटेंट विथ सही टाइमिंग के साथ हमें अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो मुझे फील हुआ. तो उसके बाद मैंने मिस ज्वाइन करने का सोचा. मिस्ट सर मैंने ज्वाइन करने का क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे, बहुत गिने चुने सीनियर्स जो हमारे कॉलेज से यहाँ से करके गए हैं, मीन्स IBS ज्वाइन किया और उनका हो गया. तो मैंने सोचा कि मैं भी वही कॉपी करूँगा और मुझे भी अगर ऐसा कुछ मिस्ट में अच्छा है तो मैंने ज्वाइन करने का फिर मैंने मिस्ट जैसे डिसाइड किया और फिर मैंने मिस ज्वाइन किया. और सर वेरी फर्स्ट डे मैं 15 जुलाई का बैच मैंने फर्स्ट क्लास था और मैं सर ऑनलाइन क्लास, मैं ऑफलाइन के लिए दिल्ली आया था लेकिन कोविड के कारण वो ऑफलाइन हुआ नहीं, तो ऑनलाइन. तो फिर मेरे लिए चैलेंजेस था क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस सर मैंने कभी किया नहीं था. तो मेरा फर्स्ट क्लास सर्जरी का था, वो भी डॉक्टर विनीत सर क्लास ले रहे थे और मेरा पहला क्लास ही जो हुआ था, मुझे लग गया था कि मैं सही जगह पे हूँ. मीन्स मुझे वो फील हो गया था सर के क्लासेस के साथ ही. और सर ने पहला जो जहाँ से स्टार्ट किया था मुझे आज भी याद है, वो सुबह एकदम मॉर्निंग 9:30 का क्लास था और सर ने जो स्टार्ट पहले दिन हमें इतना बूस्ट कर दिया था ना कि एक कॉन्फिडेंस आ गया था. उस दिन लगा था कि हम सही जगह पे हैं. और फिर सर ने सर्जरी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, जितना सर्जरी मैंने मेडिकल कॉलेज में भी कुछ चीज़ नहीं पढ़ा था वो मैंने मिस्ड में पढ़ा. और अभी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैं PG के लिए आगे जाऊंगा तो सर्जरी सर ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है. मीन्स अभी भी नोट्स में कहीं पे डाउट होता है तो अभी भी कोई क्वेश्चन फंसता हो तो सर का नोट्स बेस्ट है. मीन्स उनका टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा था कि विनीत सर का, कि उन्होंने सब फिट कर दिया. मीन्स हमें अभी भी याद है कि कौन से नोट्स के किस पन्ना पे क्या लिखा हुआ है. ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको ये याद हो कि आपके नोट्स के किस पन्ने में क्या चीज़ लिखी है. इसका एक ही मतलब होता है कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, तो दैट्स वेरी गुड. अच्छा ये बताओ कि टेस्ट वगैरह जब दिया करते थे तो कैसा? हाँ सर, मुझे अभी भी याद है ट्यूसडे के नाइट में टेस्ट होता था और सर हर वीक में टेस्ट होता था. तो उसके लिए हम लोग जो डेली बेसिस पे क्लासेस होते थे तो हमें जो हमारे मेंटर आप ही हैं सर, मेंटर और सर थे, तो वो बोलते थे कि डेली का काम डेली कर लिया करो. तो मैं डेली का पढ़ाई जो भी हमारा डेली क्लासेस हुआ, और सर बहुत लॉन्ग आवर्स क्लासेस चलते थे, 9-10 आवर के तो चलते ही थे, तो उसका सर हम लोग टायर्ड हो जाते थे. लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, FMG निकालना था, ऑलरेडी हम 3 अटेम्प्ट दे चुके थे, फोर्थ अटेम्प्ट था, तो सर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. तो इसलिए ना हम वो क्लासेस ख़त्म होने के बाद थोड़ा बात लेते थे, गर्मी का समय था, नहाते थे, फिर पढ़ने के लिए खाना खा के फिर 1-2 घंटे उसको रिवाइज करते थे और फिर सो जाते थे. ऐसे सर यूजुअली मैं अपने डेली रूटीन में 10 घंटे सोने वाला इंसान था, लेकिन सर ये जो 6 मंथ का पीरियड था इसमें मैंने हार्डली 5 घंटा कभी सोया होगा और डेली हेडेक रहता था बिना नींद का, लेकिन सर वो कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि वो रिजल्ट चाहिए था. बिल्कुल बिल्कुल. आज वो जो हेडेक आपके दिमाग में रहता था
5 घंटे सोने की वजह से वो आज मीठा लगता यस सर, होगा। आज जब पीछे पलट के देखते हैं बहुत खुशी मिलता है। और सर वीकली टेस्ट का सबसे अच्छा बात है कि वीकली टेस्ट जो हम लोग ट्यूसडे को देते हैं ना, तो हमारा इंटायर वीकेंड में जो पढ़ाई हुआ है ना वो हमें दूसरी बार रिवाइज करने का मौका बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल और सर वो बहुत छोटा छोटा स्टेप है, वो छोटा वीकली टेस्ट बहुत 50 मार्क्स का होता था, लेकिन सर वो बहुत काउंट हुआ एट द लास्ट, और वो बहुत बहुत अच्छा चीज़ था। वो प्रिपरेशन के दौरान में वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिल्कुल वो हमें सीरियस रखता था, ऑन बिल्कुल ट्रैक रखता था। बिल्कुल। यस अच्छा ये बताइए कि जब आप यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन पहुंचे, तो इस बार जब आप यू नो यू गेव द एग्जाम इन दिसंबर, सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, कैसी फीलिंग थी? और वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी थी, कैसा किस तरीके से उन डोज को चैनलाइज कर रहे थे आप? सर टू द वेरी ऑनेस्ट, जब स्टार्ट हुआ तो जब मिड जो अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना सर, उस समय सबसे ज़्यादा डाउट हमारे मन में ये रहता था कि हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। बिल्कुल मेरे मन में सबसे ज़्यादा रहता था, मैं आपसे ही पूछता था कि सर हमारा सिलेबस कब खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ था कि हमारा सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद मुझे रिवाइज करना है, वो दिमाग में तो सर था। उसके साथ क्या कि वो जो फेज हुआ हमारा सिलेबस धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो जो हमने सर वीकली टेस्ट में प्रिपरेशन किया था ना, तो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी फिर वही सिलेबस आ रहा था रिपीट होकर के, जो हमारा सेकेंड या थर्ड रिविजन के तौर पे आ रहा था। तो वो करने में जो सर वीकली टेस्ट में कुछ चीज छूट जाते थे या कुछ क्वेश्चंस जो वीकली टेस्ट में नहीं आए वो गलत हो क्वेश्चन गए। गलत हो गए, वो मुझे फिर से पढ़ने का। और सर वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे जी जो मैंने गलत किए थे, जी तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह था। जाते हैं वो। और जब मैं दोबारा रिविजन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए मैं जा रहा था, तो उस पॉइंट पे फोकस ऑटोमेटिकली माइंड का जा रहा था कि वो चीज अब गलती इस बार नहीं होना है सब्जेक्ट वाइज में। कितनी बड़ी लर्निंग है ये, दैट यू नो एवरीथिंग लिटिल लिटिल थिंग्स, आई मीन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एज ही सेड इज जस्ट अ 50 मार्क थिंग, बट वहाँ पे जो गलतियाँ करी हैं, वहाँ पे जो चीज़ याद नहीं आई है, वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू रियलाइज कि हाँ पिछली बार यहाँ गलती करी थी, अब नहीं करनी है। यस सो दैट्स वेरी गुड। मॉक का एक्सपीरियंस कैसा था चेतन? सर, मॉक टेस्ट एक्चुअली स्टार्टिंग में ही जब हम ज्वाइन किए थे ना, तो शेड्यूल में हमें बताया गया था कि लास्ट में 2 मॉक टेस्ट होगा, एक इमेज बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, जी मीन्स 3 टोटल 3 मॉक टेस्ट होना है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ सेट हो गया था कि पता है जो मॉक टेस्ट में पास कर जाता होगा ना, वो वहाँ भी पास कर जाता होगा, और ये मिस्ड वाले को पता चल जाता होगा कौन बच्चे पास कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में ये बात चलता था। तो आई वॉज टोटली बहुत सीरियस था मैं वो मॉक टेस्ट को लेकर के। और सर जब पहला मॉक टेस्ट आया, तो वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा वीकली टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से अलग था, मीन्स वो टोटली FMG पैटर्न पे था। और सर मैं देने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि जो क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन सर अपने अप्रोच से, नॉलेज से, जो टीचर ने पढ़ाया था, जो नोट्स में था, उसके बेसिस पर मुझे जो आंसर सही लगता था, मैं वो टिक करके आगे 150 फर्स्ट हाफ, फिर सेकेंड हाफ में किया। तो वो फर्स्ट हाफ मॉक टेस्ट का जो 150 क्वेश्चन का मैंने अटेम्प्ट, उससे पहले तो 100 नंबर का बस ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज होता होता था, ये 150 का एक फेज था, इसका 150 क्वेश्चन और थे। तो ये 150 में ये देने के बाद जब वो मार्क्स काउंट हो गया है ना, तो वो मुझे पहला बूस्टअप दे दिया था, कॉन्फिडेंस, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिया था कि क्या स्कोर हाँ किया था आपने मॉक में? सर वो 150 में अराउंड, सर फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था मुझे याद है कि समथिंग अबाउट 91 के आसपास था, और फिर सेकेंड में वो ओवर कॉन्फिडेंट के कारण थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गलती किया, तो उसमें मुझे बस 75 के आसपास आया ओके था। ओके कॉन्फिडेंस तो टोटल ओवरऑल मैंने देखा कि मैं पास कर गया, तो सर वो चीज़ मेरे लिए बहुत वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट देने वाला डेफिनेटली था। डेफिनेटली और सर मैंने कुछ क्वेश्चंस में अप्रोच लगा करके आंसर किया था, तो वो अप्रोच वाले जब सही हो गए ना, तो वो मुझे दे रहा था कि नहीं मैं सही ट्रैक पे और सही नॉलेज के साथ सही जगह, मैं सही सही चीज़ कर रहा हूँ। तो इसके फिर सेकेंड मॉक टेस्ट हुआ, तो सर उसमें मैंने पहले मॉक टेस्ट से ज़्यादा अच्छा किया। और इमेज वाले में सर आप लोग तो इतना इमेज का प्रैक्टिस करवा देते हैं ना, एक तो इमेज का बहुत खौफ रहता है। आपने एक बात बोला था कि इमेज देखो जो भी तुम लोग पढ़े हो ना, इमेज उसी का आएगा, मतलब एक वही कंटेंट में से आएगा, तुम जानते हो तो वो चीज़ कर लोगे। और सर जितना भी आप लोगों ने इमेज दिखाया, जितना भी प्रैक्टिस करवाया टीचिंग के दौरान में, सर उसी में से आना है और वही आता है। और सर थैंक गॉड इसका, फिर उस दिन तो सर लगा कि हाँ अब हो जाएगा, लेकिन डर था क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फाइनल डे, फाइनल मैच, और वो फाइनल होना बाकी था।
तो सर बस जो पर, और सर एक चीज़ और कि मैंने लास्ट लास्ट के 10-15 दिन में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, जिस आप लोगों ने हमेशा बताया कि 2 से 3 रिवीजन इज ओके, 3 रिवीजन आप करके जाओ, आप लीप नहीं करोगे सर। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे गायनेकोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, सर्जरी है, मैंने मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस, मेडिसिन में पैथो वाला पार्ट पे मैंने, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है जो मैंने पहले कभी नहीं किया था ठीक से, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैंने इम्पोर्टेंट इस इन सब सब्जेक्ट को लगभग 5 बार से ज़्यादा रिवाइज किया था सर। और लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैं 2 दिन में बराबर सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता था, पेज पलटा के मुझे पता था इस पेज में यहाँ पर मैं यहाँ भूल भूल रहा हूँ, फिर पलटाता था इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लाइन हम भूल जाते हैं, तो इस टाइप का वो हो गया था, मीन्स जो चेतन, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो करंट स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, यस सर। कि जब आप ये बोलते हो कि सर मेरा फर्स्ट रिवीजन हो गया, हाँ मेरा सर। सेकंड हो गया, या मैंने 4 बार रिवीजन कर लिया, तो ये रिवीजन, आई मीन फर्स्ट रिवीजन कब किया आपने? व्हाट इज फर्स्ट रिवीजन अकॉर्डिंग टू यू? सर फर्स्ट रिवीजन हम यही समझते हैं कि जो फर्स्ट डे पढ़ते हैं ना, जब हम नोट्स लिख रहे होते हैं, जब टीचर समझाते हैं और हम लिख रहे होते हैं, और वो पढ़ाने के साथ में जो आप कोई चीज़ को रिलेट करते हो ना, कोई स्टोरी के फॉर्म में या कोई चीज़ से रिलेट करके, या जो हमारे आप दिमाग में डालना चाहते हो सर, वो फर्स्ट रिवीजन उसके जस्ट उस दिन जब क्लास खत्म होता है ना, उस रात में आप एक बार पेज पलटा लो, आपको वो स्टोरी लास्ट एग्जाम हॉल तक याद रहता है और वो कंटेंट याद रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपके हिसाब से फर्स्ट रिवीजन को आप काउंट करते हो जब आप क्लास के बाद उस चीज को रिवाइज रिवाइज करते हैं। कर रहे होते यस हैं। सर। देन सेकंड रिवीजन मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्यूसडे यस व्हेन यू सर। आर वीकली गिविंग द टेस्ट। यस वीकली सर। टेस्ट। यस सर। थर्ड रिवीजन यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइज यस सर। टेस्ट, एंड देन यू ऑब्वियसली यस टुवर्ड द सर। एंड, देन बिकॉज हाँ, यू हैव आप ऑलरेडी जितना रेड कर सको। 3 टाइम्स एंड यस यू कैन सर। जस्ट फ्लिप द यस पेजेस। सर। ओके चेतन, आपसे ना एक स्पेशल क्वेश्चन मेरा है। एज यू हैव टोल्ड दैट यू हैव गिवन 3 प्रायर अटेम्प्ट्स टू दिस एंड दिस वॉज योर फोर्थ अटेम्प्ट, यस सर। मुझे ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया जिस यस दिन और वो मार्क्स आपने देखे और वहां पे BA SSS देखा, यस सर। क्या फीलिंग थी, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर सबसे पहले जब मैं एग्जाम दे के निकला था ना, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे टफ लगा था एग्जाम का, सेकंड हाफ थोड़ा इजी था। और सर जून वाला एग्जाम जो था, इस एग्जाम के कंपैरिजन में जून वाला एग्जाम बहुत इजी था मेरे लिए। और इस बार का फर्स्ट हाफ टफ था और सेकंड हाफ एकदम बैलेंस पेपर था ओवरऑल। तो एग्जाम से निकलते ही मुझे समझ में आ गया था आई विल पास। ये कॉन्फिडेंस मैं उसी दिन, क्योंकि मैं प्रियर 3 एग्जाम दे चुका था, मुझे एग्जाम से निकलने के बाद पता चल जाता था कि इस बार मैंने एग्जाम से निकला तो मुझे पता था कि आई एम गोइंग, अच्छा गया है, मैं हाँ मैं पास हो जाऊंगा मुझे। लेकिन सर बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि डर रहता है कि क्या बिल्कुल किए हैं याद नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल एग्जाम के बाद तो सर ये भी लगता है कि आंसर जब मिला रहे होते हैं ना रिकॉल में, मैंने ये टिक किया था ना, किए ना, होंगे ना, किए थे, इस टाइप का फीलिंग आता है। तो सर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट का डेट तो अनाउंस रहता है, फिर भी उससे 1-2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था। तो सर रिजल्ट आया तो मुझे ग्रुप में, मिस्ट के ग्रुप में मैसेज आया, और मुझे जैसे मैंने खोला वो सर मेरा वो हो रहा था क्या, मैं सेवर कर रहा था कि नम, इसके बाद जैसे ही लास्ट 2 डिजिट बनता है PDF फाइल पे, तो मैंने देखा, मैंने उससे पहले अपना रोल नंबर देख लिया तो मुझे पास दिख गया था। लेकिन सर पिछले 5 मिनट तक मुझे बिलीव नहीं था। आई कैन मैं अंडरस्टैंड। अपना एडमिट कार्ड लिया और मोबाइल में दोनों पापा के हाथ में दिया, हम बोले पापा मिलाओ कि हम जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सर वो दिन का बहुत दिन से इंतजार इज़ा, किए मैं थे। समझ सकता हूँ। और वो देखने के बाद मैं लिटरली सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहीं बैठ के मैं पूजा रूम गया, प्रणाम किया भगवान को, और फिर हाँ वापस आकर के आधा घंटा रोया था बैठ के। मैं अब समझ सकता लिटरली हूँ। बहुत रोया, मतलब कि सब बोले थे खुश होना है, लेकिन मेरा आंख से ना आंसू गिर रहा था मैं कि समझ सकता मैं, हूँ। वो पता नहीं अंदर का दर्द था नहीं शायद। नहीं बेटा, वो खुशी के आंसू थे, वो अपने को प्राउड मोमेंट देने का, अपने पेरेंट्स को खुश देखने का, हाँ वो सर। एक इट वाज जस्ट अ वे। हाँ सर वो एकदम बहुत ऐसा खुशी हम, और सर जो 6 मंथ का जर्नी था ना सर, उसमें ना ठीक से नींद पूरा हुआ, मुझे जो भी सेक्रीफाइस मैं अपने लाइफ में कर सकता था सर, मैंने फर्स्ट टाइम में वो 6 मंथ में, हमको लगता है कि लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने ना फेसबुक चलाया, टू द वेरी ऑनेस्ट मैं ना फेसबुक चलाया ना इंस्टाग्राम था, उन सर बोल दिया था दोनों का अनइंस्टॉल कर दो, तो मैंने कर दिया था। ओके और सो आई मीन गाइस, दिस इज द राइट थिंग, राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स इट। 4 टाइम्स इन दिस, व्हाट इज हिज फोर्थ टाइम व्हेन ही गेव द एग्जाम,
सो एनी थिंग इज पॉसिबल यू नो इफ यू आर रियली कमिटेड टू डू इट. सो हिज कमिटमेंट टू द कॉज और वो ये सोचना कि ये एग्जाम निकालना ही है इस बार, उसके लिए इतनी मेहनत करना, जैसे कि ये बता रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया और यू नो नींद पूरी नहीं हुई, 5 to 6 hours ओनली ही हैज स्लेप्ट. बट देन आई कैन यू नो आई कैन आई थिंक दैट विद हिज स्टोरी यू कैन रिलेट टू मेनी अ थिंग्स इन योर लाइव्स के यू नो अप्स एंड डाउन्स आर गोना कम. देर इज नथिंग बैड देन सीइंग योर सेल्फ फेलिंग सो मेनी टाइम्स बिकॉज इट जनरेट्स एक्स्ट्रा प्रेशर. But then, you know, the kind of smile and the kind of happiness he's having right now, that's something else. And, you know, if you work hard, you can definitely achieve it. That is what I think from his story we can relate to. Thank you, Chetan, yes, for being with us. And it's just a token of appreciation from our side. Thank you for making us proud. Thank you for making everyone around proud. Thank you. God bless you.